अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ शेवरलेट ट्रैक्स का रिमोट के जो बैटरी सेल्स हैं वो कैसे चेंज करते हैं। तो ये रिमोट आपके सामने, आप चेक कर लें, देख लीजिए। ये रिमोट है, सबसे पहले इसके अंदर एक की होती है रिमोट के अंदर, उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो इस साइड से इसका ये बटन प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे आप फिंगर से तो देन ये की आपकी बाहर आ जाएगी। की आपने बाहर निकाल लेनी है, ये की आपकी बाहर आ गई। की बाहर निकालने के बाद सिंपल है, इसी की से आपको इसके अंदर, इस की से ये चेक कर लें, यहाँ से ज़्यादा अंदर नहीं करना है इसको, बस हल्का सा बाहर से ही आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे। इसे आप प्रेस किया आपने, देखें ये कवर इसका खुल गया। जब ये कवर खुल जाएगा तो इस तरह दो पोर्शंस में चेंज हो जाएगा, दो हिस्सों में। और ये इसका बैटरी सेल है, आप इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करें, ये बाहर आ जाएगा। देन आपने इसको निकाल के रख देना है। अच्छा, सेल मैं आपको बता दूँ, इसमें देखें सेल आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, लाइक एनर्जाइजर हो गए, ड्यूरा सेल हो गए। लोकल कोई सेल नहीं लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको डालेंगे तो एटलीस्ट 1 ईयर से अब ऑफ चल जाए। तो मैंने ये एनर्जाइजर के सेल लिए, ये मैं जो ऑलरेडी जो है उसको ओपन कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देन आपको सेल सेम जैसे निकाला था आपने, इसको ऐसे इसको उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और ये इसकी जो प्लस वाली साइड है वो ऊपर टॉप पर रहेगी और माइनस वाली नीचे चली जाएगी। सेम तरीक़ेकार से इसको आपने एज इट इज़ पैक करना। अच्छा, पैक करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको सेम इस तरह, मतलब बैक साइड से बिठाना है पहले, देन आपको थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, रिमोट का सेल चेंज हो चुका है। फिर इसी तरह सेम तरीके से आपने इसको इंसर्ट कर देना है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मैं डाल रहा होता हूँ।